समाना की अनाज मंडी में रविदास धर्म सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें संत महापुरुष आकर समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भगत रविदास ने समाज को क्या संदेश दिया और इस समाज को कैसे ऊंचा करना है उसके लिए उनको समझाया जा रहा है, ताकि यह समाज भी देश में तरक्की कर सके। एक किसी का एकता दरबार नहीं, कल्ले रविदासियों का दरबार नहीं, है सारे का सांझा दरबार सजा हुआ है। सब सतगुरु नूं आके शीश झुका सकते हैं, सब की वडियाई, सब दे धर्म सत्कार योग ने। आप अपने धर्मां दा सब दा सत्कार है, अपने धर्म दा सत्कार करिए। गुरु जी ने जो विद्या दे उत्ते जोर दिता है कि पढ़ाई जिहड़ी है बहुत जरूरी है, बच्ची नूं असीं दाज दहेज दिंदे आ, पंखा वगैरह दिंदे आ, ओनू रोक के बच्ची नूं एक कागज़ का टुकड़ा जिस दे उत्ते डिग्री लिखी होवे कि लड़की साड़ी पायलट है, ये लड़की साड़ी डॉक्टर है, ये लड़की साड़ी इंजीनियर है, अध्यापक है, उसनू विद्या दे विच लियाउण वास्ते, उसनू भारत नूं एक मजबूत देश बनाउण वास्ते, अते साडे लोक जिहड़े धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, किधरे कोई किसी धर्म में जा रहा, किधरे कोई किसी धर्म में जा रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी नाल जुड़े रहन, भारत के मूल नाल जुड़े रहन, उस दे वास्ते सत्संग जिहड़े है जगह जगह पर करवाए जाते हैं, गुरु महाराज की विचारधारा दस्या जाता है। और सब तो वड्डी गल कि किसी ना नफरत भेदभाव नहीं, सारिया ना प्यार ना रहन, गुरु जी ने सारे चौं वर्णा नूं उपदेश दिता है। असी यह चाहते हाँ कि समाज तो भाव है कि जिहड़े लोग जिहड़े आगू लोड़वंदा दी भाव के दबे कुचले लोग जिन्हों बहुत सदियों तो पछड़े हुए है उन्होंने सही हकों की गल करे, उस समाज दे विच इस समाज नूं अगे लिआउणा चाहिए। मेरा भाव के कोई जाति तो नहीं है, मेरा भाव है कि वो लोग अगे आउण, उन्हां लोकां नूं अगे लिआंदा जावे जिहड़े लोग सचमुच जो पिछड़ चुके है उन्हां नूं बराबर करन वास्ते अगे लिआउण। मेरा सवाल यह है, जिस तरह आवाज़ उठ रही है पंजाब दे विच, एक उप मुख्यमंत्री इस बिरादरी तो इस समाज तो ताकि ये लोग दबे कुचले लोग जो सवाल है, यह सवाल है जिहड़े राजनीति लोगों ने अगे आउणा है। साडे वास्ते जो संत समाज है उसके वास्ते जो गुरुदास महाराज की विचारधारा है वो शब्द है, चौथे पातशाह ने भी लिखा है, रविदास चमार उस्तत करे हर कीर्त निमक गाए, पतत जात उत्तम भया चार वर्ण पै भग गाए। चौथे पातशाह गुरु रामदास जी लिखते हैं कि जिसनों तुम पतत कह रहे हो, जिसनों तुम नीच कह रहे हो, जिसनों तुम चमार कह रहे हो, चारे वर्णा के लोग ब्राह्मण क्षत्रि वैश शूद्र उन्होंने लंबे पै पै के मत्था टेकते हैं, भाव के जात तो मतलब नहीं है, भाव के ज्ञान तो है। एक शूद्र ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਗਏ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਈਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਾਸ ਗਰਗ ਕੇ ਸਾਥ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸਮਾਣਾ ਨਿਊਜ਼।